आज इस वीडियो में हम अम्ल पित्त के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न में अम्ल पित्त को एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर से कोरिलेट किया गया है, जिसके अंदर हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स जैसी डिसीजेस आती हैं। अम्ल पित्त यानी कि पित्त का अम्लीय हो जाना, इसके दो कारण होते हैं। अग्निमन यानी कि हमारी जो डाइजेस्टिव पावर होती है उसका कम हो जाना, या फिर जो पित्त दोष होता है शरीर के अंदर उसका दूषित हो जाना। हमारा जो स्टमक है उसके अंदर पेप्टिक जूस का बहुत ज्यादा सिक्रेट हो जाना, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का किसी पैथोजन के इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा सिक्रेट होना। स्टमक की लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के लिए स्टमक के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रेट होता है जिसे म्यूकोसा कहा जाता है। अगर ये म्यूकोसा किसी कारणों से कम सिक्रेट होने लगता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डायरेक्टली हमारी स्टमक की वॉल पे लगता है और वहां पे अल्सर्स क्रिएट करता है, जिसे गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से जाना जाता है। अम्ल पित्त के अंदर जो लक्षण देखे जाते हैं वह है गले में जलन, पेट के अंदर जलन, खट्टी डकारे आना, चक्कर आना, भूख न लगना, हेडेक होना और कभी कभी लूज मोशन भी एसिडिटी के कारण हो जाते हैं। अम्ल पित्त के कारणों को जानते हैं, बहुत ज्यादा बेसन या मैदा की चीजें खाना, बहुत ज्यादा हैवी स्पाइसी ऑयली खाना खाना, रात में नींद सही ढंग से नहीं लेना, बहुत ज्यादा फास्टिंग लेना, अपनी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा अल्कोहल, टी, टोबैको, कॉफी का यूज करना, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, ये सभी एसिडिटी के कारण होते हैं। बहुत ज्यादा स्टेरॉइड या फिर पेन किलर की कॉम्प्लिकेशन की फॉर्म में भी कभी कभी एसिडिटी हो जाती है। अब हम अम्ल पित्त की चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। तो जो भी कारण अम्ल पित्त के पहले बताए गए हैं उसका सेवन ना करने से अम्ल पित्त की प्रॉब्लम 70-80% ठीक हो जाती है। अम्ल पित्त के अंदर पित्त बड़ा हुआ होता है और बड़े हुए पित्त के लिए एक चम्मच घी किसी भी फॉर्म में लेना चाहिए। उसी तरह से सब्जी के अंदर करेला, पेठा, कद्दू अम्ल पित्त वाले पेशेंट के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। फल जैसे मुनक्का, आंवला, अनार, अंजीर, नींबू अम्ल पित्त में बहुत बेनिफिशियल होते हैं। एक ही वक्त चार रोटी लेने की जगह अगर दो दो करके दो दो घंटे के ड्यूरेशन में रोटी ली जाए तो वह भी अम्ल पित्त के पेशेंट्स में काफी रिलीफ देने वाली होती है। आयुर्वेद में अम्ल पित्त के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कामधुधा रस, शुद्ध शेखर रस, अभिपत्ति का चून, वासा अवले, द्राक्षा अवले, जो कि पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। लेकिन यह सारी मेडिसिन से आयुर्वेदिक फिजिशियन के सुपरविजन में ही ली जानी चाहिए। इसी तरह के और कुछ वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार को। थैंक यू।